आज मैं मौजूद हूँ छतरपुर जिले की निज़ामी कॉलोनी में रहने वाले मुजम्मिल खान के साथ, जिन्होंने बहुत कम ही एज में सर्टिफाइड कोच बने हुए हैं, फुटबॉल के सर्टिफाइड कोच। तो आइए हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनका सफ़र कैसे रहा, कब से इन्होंने खेलना शुरू किया और कैसे ये परीक्षा को पास किया। रिसेंट में मैंने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा जो फुटबॉल कोच का डी लाइसेंस सर्टिफिकेट कोर्स होता है, जो कि 6 डेज का होता है और इसी के अंदर प्रैक्टिकल और रिटन एग्ज़ाम लिया जाता है। जो हमारे कोच इंस्ट्रक्टर आते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से, उनके द्वारा 3 दिन ट्रेनिंग दी जाती है और आखिरी के 3 दिन एग्ज़ाम प्रैक्टिकल और रिटन होता है। कितने स्टूडेंट शामिल थे आपके साथ इसमें? 25 स्टूडेंट शामिल थे। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि जो एग्ज़ाम मैंने दिया उसमें मैं क्वालिफाई हुआ और मैं इकलौता छतरपुर से हूँ जो एक सर्टिफाइड कोच बने हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। आगे क्या करने का इरादा है आपका? आगे मैं फिजिकल एजुकेशन का ही स्टूडेंट हूँ, तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स मेरी लाइफ में शुरू से ही रहा है, तो आगे भी मैं फुटबॉल कोचिंग में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा और जो देश के और अपने ज़िले के यूथ है फुटबॉल के लिए उनको आगे बढ़ाने का कोशिश करूँगा। आपकी फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा है आपको? फैमिली के सपोर्ट से ही यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं कि वो स्पोर्ट्स से मतलब काफ़ी ज़्यादा लगाव रहा है, तो पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा ही रहा है मेरे को, तो पढ़ाई के साथ साथ पेरेंट्स ने स्पोर्ट्स में भी काफ़ी सपोर्ट किया। पढ़ाई के साथ साथ कैसे आप मैनेज करते थे फुटबॉल को? पढ़ाई के साथ साथ स्कूल में भी फुटबॉल का जो था स्टार्टिंग हुई थी, तो उससे मेहनत काफ़ी हो जाता था। उसके बाद पढ़ाई के एग्ज़ाम टाइम फुटबॉल बंद कर दिया जाती थी और एग्ज़ाम के तुरंत ही बाद से फुटबॉल पे कम से कम 2 घंटे दिया जाता था, इसीलिए फुटबॉल की बेसिक स्किल पे काम करते थे। फुटबॉल खेलने कहाँ कहाँ गए हैं आप छतरपुर के अलावा भी? फुटबॉल छतरपुर के अलावा ऑल ओवर मध्य प्रदेश और एक दो बार अदर स्टेट जाने का मौका मिला, जिसमें कि यूपी और छत्तीसगढ़। फुटबॉल मैंने जब स्टार्ट किया स्टेडियम में, तो बसीर खान जो हमारे कोच थे उन्होंने फुटबॉल के टीम में हमें कोचिंग देना स्टार्ट की थी, तब से मैं फुटबॉल के लिए जो एक प्रोफेशनल तरीके से फुटबॉल खेलना सीखा है उनसे ही सीखा है। कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे आप? प्रैक्टिस स्कूल टाइम में सिर्फ 2 घंटे प्रैक्टिस करता था, लेकिन जैसे लेवल बढ़ता गया प्रैक्टिस का टाइम भी उसके साथ साथ बढ़ता गया। कहाँ प्रैक्टिस करते थे आप? प्रैक्टिस मॉर्निंग टाइम स्टेडियम में प्रैक्टिस करते थे और इवनिंग टाइम में नंबर 2 स्कूल का जो फुटबॉल ग्राउंड है वहाँ प्रैक्टिस किया। फुटबॉल से जुड़े और कौन से कोर्स किए हैं आपने? फुटबॉल से जुड़ा मैंने 2018 में मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा जो फुटबॉल रेफरीज होते हैं, मैच ऑफिशियल होते हैं, उनका एग्ज़ाम पास किया था कैटेगरी 5 में और वक्त के साथ साथ 2020 में और 2022 में मैंने कैटेगरी अपडेट किया, 2 बार में प्रमोट हुआ हूँ, जिसमें मध्य प्रदेश का मैं क्लास 1 रेफरी में शामिल हो गया हूँ। आप युवाओं से क्या कहना चाहेंगे, जो आज के युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज के जो युवा हैं मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से वो गेमिंग और पीसी में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कहीं यूटिलाइज भी कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो युवा हैं वो ग्राउंड की तरफ आएँ और जिस तरह से अपना अपने देश के प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो जैसे यूथ आगे निकलेंगे तो गेम्स में बच्चे आगे निकलेंगे और जाके अपने देश का नाम रोशन करेंगे और जाके ओलंपिक में और अदर इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेंगे और यकीनन हमें मेडल आगे मिलेंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।